आइए, तो तीन नंबर सवाल लेकर आ गया हूं मैं आप लोगों के सामने। इसका सलूशन दिखाता हूं मैं। बड़ा मजेदार प्रश्न है भैया। एक पहिया एक मिनट में 360 परिक्रमण करता है, मतलब 360 बार घूम जाता है। कितना टाइम में? एक मिनट में, यानी कितना सेकंड में? 60 सेकंड में। भैया एक मिनट बराबर 60 सेकेंड, यानी एक मिनट में 360 बार घूमता है। इसका मतलब 60 सेकेंड में भी 360 बार घूमता है, दिमाग में रखिए। तो एक सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? ये वाला पहिया है, पुराने ज़माने के बैलगाड़ी का पहिया है ना? लेकिन बैलगाड़ी का पहिया एक मिनट में 360 बार घूमेगा कि नहीं, यह में सवाल है। चलिए तो भैया, ये पहिया है, अब किसी चीज़ का पहिया मान लीजिए, है ना? पहिया तो पहिया है, चक्का, व्हील। तो एक पहिया एक मिनट में 360 परिक्रमण करता है, एक सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा? कैसे होगा, कैसे होगा, होगा कैसे? चलिए सॉल्यूशन देखिए। चूंकि 60 सेकंड में 60 सेकेंड में 360 परिक्रमण पूरा होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है, पूरा होता है 60 सेकेंड में। चूंकि प्रश्न में दिया है एक मिनट, लेकिन हम लोग एक मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए, तो एक मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है, तो हमने लिखा 60 सेकेंड में 360 परिक्रमण पूरा होता है। चूंकि इसीलिए एक सेकेंड में 360 बटा 60 परिक्रमण पूरा होता है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, अच्छा, 136, छ परिक्रमण पूरा हो गया जी, एक सेकेंड में 6 परिक्रमण पूरा हो गया। तो एक सेकेंड में 6 परिक्रमण पूरा हुआ, तो अब हमें बताना है कि एक सेकेंड में कितने रेडियन का कोण बनता है। तो 6 परिक्रमण की बात हो गई, चूंकि एक परिक्रमण में 2π रेडियन, एक परिक्रमण में 2π रेडियन का कोण बनता है। ये आपको बताया जा चुका है कि एक परिक्रमण में 2π रेडियन का कोण बनता है। एक परिक्रमण में देखिए, यहाँ पे गौर से, ये एक परिक्रमण हो गया, यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बन गया, या फिर कहिए 2π रेडियन का कोण बन गया। तो एक परिक्रमण में 2π रेडियन का कोण बनता है एक परिक्रमण में, तो यहाँ तो 6 परिक्रमण की बात है, तो 6 से गुना कर दो ना भैया, 6 परिक्रमण में, तो 6 × 2π रेडियन का कोण बनता है। 6 × 2π कितना होगा? 12π, तो 12π रेडियन इसका आंसर हो गया। तो ये था तीन नंबर सवाल का सलूशन। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आप लोगों को आ गया होगा। सवाल नंबर 4 लेकर बहुत जल्द आपके पास पहुँचते हैं, तब तक इसको अच्छे से समझते रहिए।